राजस्थान वर्सेस चेन्नई एट ब्रेबोन, और राजस्थान के लिए है मस्ट विन गेम अगर टॉप टू में फिनिश करना है उनकी। ऑफ कोर्स नेट रन रेट ज्यादा है लखनऊ से, तो अगर जीत जाएंगे तो टॉप टू में कंफर्म फिनिश करेंगे। चेन्नई ऑफ कोर्स कुछ ज्यादा इस सीजन में है नहीं, लेकिन नेक्स्ट सीजन के लिए जरूर ट्राई करेंगे कुछ नए प्लेयर्स को, बेटर टीम सॉलिड टीम बनाने के लिए। और इस शो में हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए सॉलिड फैंटेसी टीम बना पाए। तो वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स, मैं हूं पीयूष शर्मा और एज यूजुअल हमारे दोनों स्काउट्स फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, हमारे पहले स्काउट जो कि वापसी कर रहे हैं 3 एपिसोड बाद, और मुझे आइडिया नहीं वो उन्होंने हमारे को मिस किया नहीं किया, लेकिन हम सब ने, मैंने, हमारे दूसरे स्काउट ने, हमारे सारे व्यूअर्स ने बहुत मिस किया उनको। तो वेलकम बैक वसीम सर, कैसा लग रहा है वापस आके? थैंक यू पीयूष, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 2-3 एपिसोड मैंने देखे भी, इट्स नाइस टू बी बैक। सर मिस किया नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल मिस किया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैंने देखे जो 2-3 एपिसोड थे, आकाश, जतिन, वसीम अकरम जी, तो इट्स बीन नाइस टू बी बैक। बहुत अच्छा लग रहा है सर वापस देख के। और हमारे दूसरे स्काउट जिन्होंने सबसे ज्यादा मिस किया आपको, भाई वलरी को मिस किया, और पहले तो ये क्लीन स्वीप कर रहे थे रेगुलर फैंटेसी में, अभी आजकल सेकंड इनिंग फैंटेसी में क्लीन स्वीप कर रहे हैं। वेलकम बैक आकाश सर। ओह थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरी बीच में खराब हो गई, वो वसीम नहीं था इसलिए एक मैच खराब हो गया मेरा, तो वसीम आ गया, अच्छा होगा। सबके मैच अच्छे जा रहे हैं। वसीम 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 में, वसीम में भी गेम होता है, अकरम नहीं जाफर चाहिए। वसीम 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 भाई तो मतलब नॉट फॉर फैंटेसी ना। तो चलते हैं आज के मैच पे, राजस्थान वर्सेस चेन्नई, मैच है ब्रेबोन में। वसीम सर किसके साथ जाना चाहेंगे फैंटेसी कैप्टन आपके पहली सेफ पे? आई थिंक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक तो ऋतुराज अगेन मैन इन फॉर्म, जिस तरह से पिछले कुछ मैचेस खेले हैं तो उनका पहले से ये ट्रेंड रहा है कि शुरू में फेल होते ही हम बात करते ही आ रहे हैं, तो अभी जैसे फॉर्म चल रहा है एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड, तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल गो विद ऋतुराज गायकवाड़। Yeah, लास्ट सीजन अगर याद हो सेंचुरी भी मारी थी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, लेकिन वो राजस्थान रॉयल्स की बोलिंग अटैक और ये टोटली डिफरेंट है। इस बार सामने होंगे ट्रेंट बोल्ट, 3 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज है सिर्फ 10 का। इसके बाद आएंगे युजवेंद्र चहल, 4 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं। ब्रेबोन में 2 इनिंग खेली अभी तक, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 बॉल में 1 रन है, बैटिंग सेकंड करते हुए 4 बॉल में 1 रन है, लेकिन वसीम सर उम्मीद कर रहे हैं इस एक के आगे इस बार 2 00 ऐड हो जाएंगे, इसलिए वो जा रहे हैं उनके साथ एज कैप्टन। आप भी जा सकते हैं आकाश सर, किसके साथ जाना चाहेंगे कैप्टन? मैं ऋतुराज के साथ ही जाऊंगा भाई, मैं बड़ा दूध का जला हुआ हूँ इनको, मैं पहले मैच में कप्तान बनाया था, फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन मैंने कहा ऋतुराज को कप्तान बनाते हैं, पहली बॉल पे आउट हो गए थे 0 पे गोल्डन डक। तो अब मैं जा रहा हूँ जी जॉस बटलर के साथ, नॉट दैट कि उनका बल्ला बड़ा हल्ला बचा रहा है पिछले कुछ दिनों से, पर इस मैदान को भी अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे इन्होंने रन बनाए हुए हैं, शतक बनाए इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और बंदा यार इज ड्यू फॉर रन, इज टू गुड अ प्लेयर टू कीप फेलिंग। अब ये भी उनको मालूम है कि आज जीतते हैं तो टीम जो है वो 2 पे फिनिश करेगी, टॉप 2 में, और टॉप 2 का महत्व बहुत ज्यादा है। हमने इस शो में बहुत बार बात की है कि अगर आप टॉप 2 में नहीं 3 पे फिनिश करते हैं, 4 पे फिनिश करते हैं, तो 15 साल में एक चैंपियन बना है सिर्फ। तो अगर आप कर सकते हैं टॉप 2 में फिनिश, आई मीन सब कुछ अपना झोंक दीजिए, इस वजह से जॉस बटलर। ये लास्ट कुछ मैचेस थोड़े ठंडे गए हैं, लेकिन जॉस बटलर खेलने वाले हैं इस बार चेन्नई के अगेंस्ट, 66 का एवरेज है जो कि हाईएस्ट है किसी भी बैट्समैन का अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। जैसे आकाश सर ने बात की, ब्रेबोन में भी उनका एवरेज जो है 52 का है, 1 सेंचुरी मार चुके हैं। थ्रेड जो होंगे सिर्फ उन्हीं के टीममेट है जो कि 6 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं, मोइन अली, एवरेज उनके अगेंस्ट भी बिलो 15 है, बट एक बड़ी नॉक ड्यू है, काफी मैचेस से रन नहीं आए, इस मैच में उम्मीद करें कि रन आएंगे, तो व्यू स्पोर्ट भी रिकमेंड करेगा उनके साथ, आप बिल्कुल एज कैप्टन जा सकते हैं, स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो बिल्कुल कैप्टन होने चाहिए आपके। वसीम सर किसके साथ जाएंगे वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन एक्चुअली पीयूष में 2 लोगों के बीच में है, युजवेंद्र चहल अगेन लेग स्पिनर हैं तो उनको इतने लेफ्ट हैंड राइट हैंड का फर्क नहीं पड़ता है, और मैं अश्विन के साथ एक्चुअली जाना चाहूंगा क्योंकि 3-3 लेफ्ट हैंडर है सामने, डेविन कॉनवे है, उसके बाद में मोइन अली है, फिर बाद में शिवम दुबे भी आते हैं, तो अश्विन मुझे लगता है कि कुछ मैचेस एज अ बॉलर थोड़े ठंडे गए, तो आई वुड लाइक टू टेक अ रिस्क यू नो थोड़ा अश्विन की तरफ, और युजवेंद्र चहल तो है ही, वो उनका जिस तरह से फॉर्म चल रहा है, तो आई विल पिक यू नो वन ऑफ दिस टू, श्योर नहीं हूँ बट आई विल पिक बिटवीन दोज टू। एक पर्पल कैप होल्डर है जो आगे जाके मतलब अभी तो उनसे मेरे ख्याल से वो कैप छीन ली गई है, लेकिन ही विल बी रेयरिंग टू गेट इट बैक, युजवेंद्र चहल, और अश्विन मुझे लगता है कि अगेन ओल्ड फ्रेंचाइज का जो ट्रेंड है, आई होप ही पिक सम विकेट्स अगेन चेन्नई। लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल लिए हैं, तो मे बी शायद ट्रेंड वो वापस यहाँ पे काम ना करे। अगर सर किसके साथ जाना चाहेंगे वाइस कैप्टन? वाइस कैप्टन मेरी चॉइस है मोइन अली, देवदत्त पाडिकल,
उसके पहले यशस्वी जायसवाल और बाद में शिमरन हेटमायर, तीन लेफ्ट हैंडर्स हो गए। ये जो टीम खिला रहे हैं पिछले मैच में जो कप्तान ने खिलाई है उसमें वो फ्यूचर का कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके चलते उनकी बैटिंग भी तीन नंबर पे आ जा रही है। अभी तक चेन्नई के साथ मेरा जो सबसे बड़ा कंटेंशियस जो पॉइंट रहा हुई है कि भाई बैटिंग कौन कहाँ करेगा, बहुत बार दूध का जला हूं मैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ ऊपर नीचे होता रहेगा, पर मोइन अली तो बैटिंग ठीक स्थान पे करेंगे विच विल बी नंबर थ्री, और बॉलिंग में चार ओवर कर जाएंगे। बॉलिंग भी बहुत सारे ऑप्शंस के साथ नहीं उतर रहे हैं कप्तान धोनी, अनलाइक व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। सो थोड़ी सेफ पिक है एक्चुअली मोइन अली एज माय वाइस कैप्टन, या सेकंड सेफ पिक। अकाशर दारेन के साथ उनका बैटिंग ऑर्डर जो है फिक्स्ड है, क्योंकि इनके साथ में काफी बार हो चुका है, दुबे के लेते हैं राइडू आ जाता है, राइडू को लिया उन्होंने तो किसी मैच में दुबे आ गए, उत्तप्पा को लेते हैं, उत्तप्पा बैटिंग करने नहीं आते, तो मोइन अली एक बहुत ही सेफ चॉइस है, स्पेशली अगर वो पहले बैटिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑफकोर्स जैसा आकाशर ने कहा टॉप छह के अंदर तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं और राइट हैंडर्स के भी विकेट ले रहे हैं, लास्ट दो मैचेस में राइट हैंडर्स के भी विकेट्स लिए हैं, और सामने जॉश बटलर है जो कि हमने ऑलरेडी बात की छह इनिंग में तीन बार उनको भी आउट कर चुके हैं। विद द बैट वैल्यू है, विद द बॉल अगर 20-25 रन किए और एक विकेट ले लिया, आई गेस स्मॉल लीग के लिए आपके काफी पॉइंट्स हो जाएंगे। दूसरे एक और जो अच्छी चॉइस है जो वसीम सर ऑलरेडी बता चुके हैं वो है युजवेंद्र चहल। ब्रेबोन में नंबर्स देखेंगे, फिलहाल 8 ओवर्स में 6 विकेट्स है, 5 एक ही मैच में ले गए थे, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट है, और ब्रेबोन स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया है सामने चेन्नई के, हो सकता है शायद और कुछ चेंजेस करें, एक्सपीरियंस प्लेयर्स और खेलें तो एक बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे, स्पेशली अगर वो सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं तो युजवेंद्र चहल, मोइन अली, इन दोनों में से किसी के साथ भी आप जा सकते हैं वाइस कैप्टन। वसीम सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एक्चुअली मैं जॉर्ज बटलर के साथ जाऊंगा, क्योंकि जैसे आकाश ने कहा कि कुछ टाइम से बल्ला कुछ बोल नहीं रहा है, जो फर्स्ट हाफ में और पहले कुछ मैचेस में जॉर्ज बटलर हमको दिखाई दिए थे वो बिल्कुल उसके अलग खेल रहे हैं, बड़े स्कोर नहीं दिखाई दे रहे और इवन रन बॉल भी खेल रहे हैं कई मैचेस में, यू नो 60-70 रन ऑलमोस्ट 18th ओवर तक खेलते हुए 60-70 ही रन बनाए थे, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिदम टूटा है, तो यू नो इज नॉट इन द सेम फॉर्म, बट अगेन आपको पता है कि जॉर्ज बटलर खेलता है तो यू नो ही गेट्स 100 एज सिंपल एज दैट, तो यू नो ही परफेक्टली मुझे लगता है कि जिस तरह के उस पर चल रहा है एंड बीइंग सच एन इम्पोर्टेंट गेम यू एक्सपेक्ट कि जॉर्ज बटलर जैसा प्लेयर आपके लिए रन बनाए, कि नंबर टू की जो पोजीशन है वो बहुत वाइटल है, तो आई विल गो विद जॉर्ज बटलर, मुझे लगता है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में ही फिट्स परफेक्टली। कॉमन प्लेयर है, तीनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रन देखने को मिलेंगे जॉर्ज बटलर से इस मैच में। अकाश सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किसके साथ जाना चाहेंगे, वो डिफरेंशियल प्लेयर आपका? हाँ, मैं एक्चुअली लेफ्ट फील्ड, एकदम लेफ्ट फील्ड सिलेक्शन, महेश पथिराना। महेश पथिराना जिसने इनको पहले नहीं खेला है, दे'ल फाइंड इट टफ, क्योंकि इनका जो बॉलिंग का स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। अगर कप्तान का मन किया और डेथ में बॉलिंग भी करा दी तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो मतलब वो शिमरन हेटमायर भी इनको पहली बार खेलने वाले हैं, रियान पराग के पैड पे मार सकते हैं, ये उस तरीके का बॉलर है जो 40 खा सकता है 4 में 40, पर ऑन हिज डे मतलब किसी भी समय पता चलेगा जी 3 ओवर में 3 विकेट ले गए। तो महेश पथिराना एज माय वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिस्क काइंड ऑफ पिक है ये, बड़ी लीग में, स्मॉल लीग में पंगा मत लेना। जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ उनके साथ, मैं भी जाना चाहूंगा स्मॉल लीग्स में, बिल्कुल उनको लूंगा अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि चांसेस अच्छे खासे हैं डेथ में बॉलिंग करेंगे। एक अच्छी और कर उनकी पड़ी और आपको मिलेंगे 33 पॉइंट्स, फिलहाल अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बहुत इनफैक्ट वो पूरे ओवर्स भी नहीं कर रहे थे श्रीलंका अंडर 19 के लिए, लेकिन यहाँ पर माही भाई का अप्रूवल मिल गया है तो कोई भी नंबर्स कुछ खास मैटर करते ही नहीं, उन्होंने काफी तारीफ की थी पोस्ट मैच में भी उनकी, और उम्मीद कर रहे हैं डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो अगर पहले बॉलिंग करते हैं स्मॉल लीग टीम में जरूर रख लीजिए, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लीजिए उनको एज ग्रैंड लीग कैप्टन, क्योंकि अगर 2-3 विकेट्स आ गए तो अच्छी खासी आपको लीड दे देंगे। वैसे ही एक और अच्छी डिफरेंशियल चॉइस जो कि लास्ट मैच में भी थे मेरे, दूसरी बार इस सीजन में, वो है ओपन मकॉय, लास्ट टाइम जब मैंने बोला तब वो खेले नहीं थे, बहुत ही अच्छी चॉइस है। ब्रबॉन में अभी देखेंगे 4 विकेट ले जा चुके हैं, इकॉनमी देखेंगे तो आकाश छूटी हुई है 9.9, लेकिन स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी है तो खा जाए 30-40 रन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 2 विकेट ले गए तो आपको अच्छा खासा वहां पे लीड दे देंगे। तो ओपन मकॉय बॉलिंग फर्स्ट जरूर मेरी टीम में होंगे, बॉलिंग सेकंड में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे डिफरेंशियल ग्रैंड लीग कैप्टन। तो ओपन मकॉय, मतीश पथिराना, दोनों अच्छी चॉइस है। वसीम सर, इसके साथ नहीं जाना चाहेंगे, किसको अवॉइड करना चाहेंगे, कौन से होंगे प्लेयर टू अवॉइड? वो मैं एक्चुअली सिमरजीत सिंह के साथ पीयूष जाना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में विकेटें भी नहीं मिली है, थोड़े एक्सपेंसिव भी साबित हुए हैं, प्लस ब्रेबोन का जो पिच है थोड़ा सा यू नो बैटिंग फ्रेंडली होता है,
ऐसे लगता नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं सिमरजीत सिंह के पास, और आपके पास एक्चुअली दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राजस्थान के पास काफी बॉलिंग ऑप्शन है, चेन्नई की तरफ से भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि मुकेश चौधरी है आपके पास, पथी राणा है, तो आई फील के इट मेक सेंस सिमरजीत। ऐसे लगता है कि उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो ही इज समबडी यू कैन प्रॉब्ली अवॉइड इन दिस गेम। वसीम सर अवॉइड कर रहे हैं सिमरनजीत सिंह को, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। आकाश सर किसको नहीं रखना चाहेंगे अपनी टीम में साथ में? मैं थोड़ा सा एक्चुअली बिल्कुल ये लेफ्ट फील्ड जा रहा हूँ एक बार फिर। मैं कह रहा हूँ रविचंद्रन अश्विन, ऐश को अवॉइड करने को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐश की बैटिंग नहीं आएगी मुझे ऐसा लगता है। जिस जिस नंबर पे पहले वो बैटिंग कर रहे थे अब हेटमायर वापस आ गए हैं। अब संजू सैमसन 3 नंबर अपना नहीं छोड़ेंगे मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और रविचंद्रन अश्विन द बोलर, सामने चेन्नई की टीम बाकी कुछ भी करे स्पिन अच्छा खेलती है। उनके पास बहुत सारे बैटर होते हैं जो स्पिन ठीक ठाक खेलते हैं, उस स्पिन के खिलाफ इवन समवन लाइक मोइन अली आप ले लीजिए, वो डेवन कॉनवे स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, दोनों तरफ के स्वीप मारते हैं। और ऋतुराज से अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रन की, तो फिर वो भी उनके सामने 1-2 ओवर डाल के चले जाएंगे, उन पे माही भी आउट नहीं होने वाले। माही भी अगर आएंगे तो उनको वो भी संभाल लेंगे। तो बॉलिंग में मुझे लगता है अवॉइडेबल है। आप स्पिन के कितने ऑप्शंस पिक कर पाएंगे, बोलर कितने पिक कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, पथी राणा, उबेद मकोई की हमने बात ऑलरेडी कर ली है, यूजी चहल हमारे बड़े परफेक्ट बोलर है, तो फिर देर इज अ लिमिट की कितने आप बोलर पिक कर सकते हैं। तो उसमें से अगर किसी को छोड़ना है ऐड से रविचंद्रन अश्विन को शायद मैं छोड़ दूंगा। अब मैं हो गया थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि आकाश सर लेफ्ट ही जाके अश्विन को छोड़ रहे हैं और वसीम सर बोल रहे हैं लेफ्ट हैंडर है तुमको ले लो। तो अब हम करेंगे ऑडियंस पोल। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप बताइए, आप कमेंट करके कि आप लेने वाले हैं नहीं लेने वाले हैं, उनको टीम में रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो मदद हो जाएगी हम सबकी भी। फिलहाल आप ये बताइए कि कौन सी टीम जीतने वाली है वसीम सर, क्या लगता है कौन सी टीम 2 पॉइंट लेके जाएगी और क्या राजस्थान रॉयल्स टॉप 2 में फिनिश करेगी? आई थिंक फेवरेट्स तो विदाउट अ डाउट राजस्थान है पीयूष, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। उनको 2 नंबर की स्पॉट चाहिए, और जैसे आकाश ने कहा है कि 15 साल में बहुत रेयरली कोई है जो चैंपियन हुआ है व्हेन दे फिनिश थर्ड एंड फोर्थ, तो दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। चेन्नई यू अगेन कितनी इंटेंसिटी से ये मैच खेलते हैं, इवन दो दे वुड लाइक टू बीट एनी बडी दे आर प्लेइंग, बट आई फील राजस्थान गॉट टू बी फेवरेट्स। आकाश सर राजस्थान चेन्नई किसके साथ जाना चाहेंगे? जीत का रंग जो है वो गुलाबी है, तो फिर आई विल गो विद द टीम इन पिंक। बिल्कुल सर, एक एक और क्वेश्चन, क्योंकि चेन्नई से आपका बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, तो आप बताना चाहेंगे चेन्नई इस मैच में क्या चेंजेस करने वाली, किसको ट्राई करेगी, किसको रेस्ट देगी? ओके, शिवम दुबे को थोड़ी ऊपर बैटिंग कराएंगे। टीम में कोई बदलाव मुझे लग रहा है होगा नहीं है, एज इट इज जो पिछला मैच खेली थी ऑलमोस्ट वही टीम खेल जाएगी। माही और चेंज नहीं करेगा। तो लास्ट टाइम जब हमने ओबेंड मकवाई की बात की थी, आपने कहा था, प्रॉमिस किया था आपने कि नहीं लोगे, और मैंने प्रॉमिस किया था जरूर लूंगा, तो उस मैच में खेली थी। इस मैच में आप ओबेंड मकवाई को लेंगे या नहीं लेंगे? देर इज अ गुड चांस हन, मैं बिल्कुल इस बारे में, क्योंकि सी डेथ बोलिंग, हालांकि वही जो मैंने पहले जो बात की यहीं पे कि सी बोलर्स आप कितने ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारे मतलब दुनिया भर के आप सारे बोलर नहीं पिक कर सकते हो ना, फंस जाओगे। तो उसमें क्या ट्रेंट बोल, जिस तरीके की ट्रेंट बोल बॉलिंग कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू पिक ट्रेंट बोल फॉर श्योर, वो पहले बैटिंग बाद में बैटिंग, आई एम पिकिंग ट्रेंट बोल। अगर ट्रेंट बोल को मैंने पिक कर लिया, मैंने पथिराना को भी मैं कह रहा हूँ मुझे पिक करना है, यूजी चहल तो मुझे चाहिए चाहिए, तो अब इसके बाद मुकेश चौधरी, प्रसिद्ध कृष्णा, उबेद मकोई में से एक शायद पिक कर पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा पीयूष, तो फैंटेसी ना फंस जाता आदमी। तो उबेद मकोई इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस, I might actually pick him. अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो yes, बाद में कर रहे हैं तो no. जैसे आपने कहा फैंटेसी में फंस जाते हैं, तो मैं जब भी फंस जाता हूँ वापस स्काउट के पास जाता हूँ। वसीम सर किसके पिक करना चाहेंगे बॉलिंग सेक्शन में, स्पेशली आप कौन से बोलर्स को पिक करना चाहेंगे साथ? देखिए आप राजस्थान से ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ बोलर्स के साथ जाओगे, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल डेफिनेटली है, और जब मैंने रवि अश्विन को सेकंड से पिक किया है तो अगेन आपके पास वो भी है। उसके बाद आपके पास मुकेश चौधरी है जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, पथी राणा इज अगेन समबडी यू वॉन्ट अवॉइड प्लेनली बिकॉज बिल्कुल नए हैं, बहुत कम लोगों ने खेला है, तो वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं, तो बट ऑन द होल आप राजस्थान रॉयल्स के पास ही आप ज़्यादा जाओगे एज अ बॉलिंग यूनिट, क्योंकि काफ़ी वेराइटी है उनके पास। टाइटल सेवन फैंटेसी फोर कॉम्बिनेशन की सेवन बात फोर करें, पीयूष सेवन जी फोर हाँ, सेवन मैं फोर भी तू जा रहा था वहां पे मुझे पता है, तो 7-4 तो चार वो प्लेयर मैंने है दूसरे टोटल, को अच्छा डेवन समझ कॉनवे, गए। ऋतु
डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड, बीच में एक मोइन अली और बाद में एक पत्थी राणा, और बहुत पंगा लेने का मन है तो देख लो, ले सकते हो तो शिवम दुबे को ले लो, पर ले नहीं पाओगे। तो ये चार से पांच प्लेस के साथ आप जा सकते हैं चेन्नई की, अगर आप फैंटेसी टीम बना रहे हैं। 7-4-6-5 आइडल कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्पेशली अगर राजस्थान पहले बोलिंग कर रही है तो 7-4 के साथ भी आप जा सकते हैं। तो आज के व्यू स्पोर्ट्स आउट्स में इतना ही, बहुत अच्छा लगा फिर से आप दोनों को वापस देख के, इस भाई बंदर को वापस देख के, और मजा आया आपसे वापस बात करने में। थैंक यू सो मच अगर सर वसीम सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू पीयूष, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉट।